di performa, dov'è il scudo? नमस्कार किसान भाइयों, राम राम भाइयों। जो आज की हम वीडियो बनाओगे, आज की वीडियो भाई ये इसे मिनी लोडर बोल दो या फिर जुगाड़ बोल दो, ये मतलब कि क्या है भाई, एक जुगाड़बाजी से क्या है ट्रैक्टर के अंदर जो से मतलब जेसीबी का बकेट फिट करवा रखा, और इसमें मतलब कि काफ़ी बदलाव कर रखे ये। अब मतलब वैसे देखने में एक ट्रैक्टर ही है, और भाई पहले ये ट्रैक्टर था जो कि खेती में चला था, लेकिन अब क्या है ये बिल्कुल जेसीबी ही बना दी इस ट्रैक्टर का। और बाकी इसमें मतलब दिखाओगे क्या क्या बदलाव कर रखे, और भाई क्या क्या इसमें मतलब बाकी भाई सब मतलब बहुत कुछ बदलाव कर रखे इसमें। एक बार आप ये पीछे से भी देख लो, ये देखो, अगर आप पीछे से देखोगे तो भाई बिल्कुल HM ही है ये, जैसे जिसे HM बोलते हैं। और ये इसमें जो जो बदलाव कर रखे दिखाऊं एक बार, आप पहले इसका बकेट देख लो भाई, ये इसका बकेट है देखो, फिर भाई से बातचीत भी करेंगे। और जो बदलाव कर रखे आप ये देखो एक बार पीछे से, मतलब क्या है 7-8 का पूरा ही ट्रैक्टर था ये, जो कि इसमें बिल्कुल ख़त्म कर दिया उस ट्रैक्टर का, और सब कुछ चेंज, मतलब इसमें ये कैबिन लगवा दिया। और बाकी ये ट्रैक्टर है भाई, एक बार ये ट्रैक्टर का पंप पंप है, बाकी आप एक बार देख लो। अच्छा एक बार भाई से बात करोगे ना, आ जाओ भाई जी, आगे आ जाओ एक मिनट। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी, एक बार अपना नाम पता बता दो भाई जी। शुभम त्यागी, गांव बेड़े की सादाबाद, इकबालपुर। अच्छा जी, अच्छा जो ये आपने ट्रैक्टर तैयार करवाया जी जी, ये मतलब कि किस काम के लिए तैयार करवाया पहले? ये अपना रोडी बजरी के लिए। अच्छा रोडी डस्ट के लिए आपने तैयार करवाया, तो मतलब इसे कितने दिन हो गए मतलब तैयार करवाया? एक साल हो गया जी। अच्छा जी, कैसा काम कर रहा है? काम बढ़िया कर रहा, जो फ्रंट वाला आया वो भी चला कर देख लिया जी, जिसमें मजा नहीं आया, और ये फिर बैक यूट्यूब पे वीडियो देखी, ये संगरूर सुनाम बनाया जी। अच्छा जी, अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कि मतलब ये ट्रैक्टर जी का तो पूरा ही कंप्लीट लिया या फिर ये बनवाया अलग से? नहीं नहीं, ये ट्रैक्टर था हमारे पास इंडो फार्म। अच्छा जी, कौन सा ट्रैक्टर है? इंडो फार्म कौन सा मॉडल? ये था 10 मॉडल, 9-10 मॉडल। नहीं मतलब कौन सा ट्रैक्टर है? 2040 मैसी 41 का इंजन है इसमें। अच्छा जी, 241 का, जो 40 HP का इंजन है इसमें, 3 सिलेंडर इंजन। अच्छा जी, अच्छा तो मतलब की इसमें जो आपने ये बताओ इसमें क्या क्या मतलब बदलाव करा, और क्या क्या मतलब की इसमें ये उन्होंने फ्रंट एक्सल उल्टा करके घेर दिया। अच्छा जी, ये देखो भाई, ताकि इसकी ये देखो काट सही हो जाए। जी जी जी, फ्रंट एक्सल उल्टा करके डाल दिया। अच्छा जी, अच्छा ये गियर बक्सल में चेंज कर दिया। हाँ, एक बार पहला आप आगा शायद बता दो इसमें मतलब कि पहले तो इसमें उन्होंने मतलब पावर स्टीयरिंग, देखो फ्रंट भाई एक्सल क्या है उल्टा करके डाल दिया और ये पावर स्टीयरिंग हो गया। और बताओ जी क्या क्या मतलब इसमें बदलाव करा जी? ये भाई आगे फ्रंट में वेट आ गया, हाइड्रोलिक ऑयल हो गया, ये ऑयल हो गया भाई हाइड्रोलिक का। और ये भाई देखो इसमें पंप लगा दिया एक्स्ट्रा, मतलब क्या है वैसा पंप तो उठा नहीं पाता, तो ये अलग से पंप लगा गया, पंप लगा दिया और ये हाइड्रोलिक ऑयल दे दिया। और ये इसकी साफ्ट है, ये साफ्ट दे दो यहाँ से, देखो अंदर से ज्वाइंट कर दी। और बताओ जी, और जो ये इसका हाइड्रोलिक का जो पंप था जी जी, उसको पावर स्टीयरिंग दे दिया। पावर स्टीयरिंग बहुत खतरनाक चल रहा जी, क्योंकि हाइड्रोलिक का पंप बहुत बड़ा है जी, उसके हिसाब से। और ये डीजल टैंक का इधर आ गया। अच्छा, के नीचे ये कितने लीटर है डीजल टैंक? ये जी 40 लीटर का, ये 40 लीटर का भाई इसमें डीजल टैंक है जी, ये उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया उनका ही है ये। अच्छा मतलब कंप्लीट उन्होंने आपको तैयार करके दिया? ये भी उनका ही है डीजल टैंक, उन्होंने अपनी तरफ से बना रखा है। अच्छा जी, अच्छा और इसमें क्या क्या चेंज है जी? और ये आगे वाला है जी, ये डिस्ट्रीब्यूटर है इसका जी जी, अभी बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बजरी उठा लो 8 क्विंटल और 9-10 क्विंटल रेत और कोर सैंड उठा लो। 10 क्विंटल तक मतलब कि एक बकेट में कैपेसिटी है इसकी 10 क्विंटल और पूरा ही उठा कर चलो, कोई दिक्कत नहीं। जो आगे वाला है वो तो ऐसा है जैसे आगे माल आवेगा पिछले पहिए स्लिप करने शुरू कर देते। अच्छा जी, अच्छा जैसा माल आवेगा पिछले पहिए पकड़ बनाते चले जाओ। अच्छा, इसमें टायर में पानी पुनी भरवा का सिंपल नहीं है जी, पानी वानी की तो जैसा माल आवेगा जी जी, जैसे ही पॉकेट में माल आवेगा ना जी जी, पकड़ बनती चले जाएगी पहियों की। अच्छा जी, अच्छा स्लिप नहीं मार। अच्छा एक बात और बताओ, जो इसका बकेट है इसकी मतलब लेंथ कितनी जो ऊपर तक उठाने की? 12 फुट पे माल डाल दो, 12 फुट तक माल उठा दे। 12 फुट की गाड़ी में माल डाल देगा। अच्छा जी, मतलब कहने के बाद एक ट्रक है जो ट्रक में भी एक बार को माल ये भर सकता है, बड़े ट्रक में भी। अच्छा जी, तो एक बार इसका मतलब गियर बॉक्स में और दिखाओ मतलब कि क्या क्या इसमें चेंज उधर से दिखेगा। हाँ, एक बार भाई इसका हम क्या है गियर बॉक्स भी दिखाओगे, क्योंकि क्या है ये भाई इनका एड्रेस है, चलो इधर दिखा देंगे। और मतलब इसमें बाकी कोई भाई देखो सिंपल लोडर के में ही जो वो है, एक बार से गियर बक्से के बारे में और बताओ मतलब क्या? देखो गियर बक्से में पहले आगे चला था। हाँ, वही जो सेम जो गियर आगे थे ना जी जी, गरारी चेंज कर दी उल्टी करके गेर दी जितना, अब जा इधर को बैक हो गया जी जी, और फ्रंट इधर को हो गया। अच्छा जी, मतलब उल्टा कर दिया सिस्टम, गियर बक्सा पूरा चेंज कर दिया, मतलब अब इधर को तो सीधा हो गया जी जी, दूसरे तीसरे गियर। अच्छा जी, बैक गियर में रिवर्स में भी इधर को हो गया। अच्छा, पूरा गियर बक्सा चेंज कर दिया, पूरा गियर बक्सा मतलब गरारिया चेंज कर दी, उल्टा हो गया। और इसे जो मतलब ब्रेक को क्या है, ये ब्रेक में सिंगल क्लच पैडल हो गए
मतलब एक तो एक सिंगल सिंगल हो गया साइड ब्रेक में होता तो पलट जाता है। अच्छा जी, साइड ब्रेक मारती है तो पलट जाता है, इसलिए दोनों ब्रेक इकट्ठे एक साथ। जी 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 जी, ये क्लच हो गया। अच्छा हो गया जी। अच्छा जी, तो भाई ये देखो ये इसका क्या है, ये इसका गियर बॉक्स है। मतलब क्यों गियर बॉक्स में क्या है, उल्टा मतलब सिस्टम कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे कि जो चाल पहले आगे की थी वो सब पीछे के लिए कर दी। इतनी स्पीड है पहले, अब जितनी और... पहले आगे को भागा थे ना। जी जी जी, 35 भागता था। अच्छा, पहले जितना अब इधर कोई 35 भागता है। अच्छा भाई, अब यह क्या इसकी चाल जो है बैक में 35 किलोमीटर पर हावर की स्पीड इसकी बैक कर दी, और जो पहले बैक गियर था उसे फ्रंट गियर बना दिया मतलब पीछे के लिए, और सिंगल पैडल कर दिया इसके ब्रेक को। और भाई ये हाथ की रेस यहाँ पर आ गई जी। अच्छा जी, ये यहाँ से ये हाथ की रेस आ गई करती भाई इसकी, पैर वाली रेस होगी, पैर वाली रेस होगी। और ये भाई मतलब क्या है, पावर स्टीयरिंग कर दिया इसको, स्टीयरिंग भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया पावर स्टीयरिंग लगा रखा है। अच्छा, और भाई इसमें मतलब बाकी और कुछ बदलाव नहीं करा इतना खास, ये देखो अब मतलब बाकी सब कुछ है। और मतलब क्या है देखो, टायर उल्टे करके डाल दिया, थोड़े चौड़े करके लोड हो ऊपर नीचे। एक बार और से पीछे से जरूर दिखाऊंगे भाई, ये क्या है ये देखो, मतलब क्या है इसकी जो टायरों की चौड़ाई है वो बढ़ा दी, उल्टे करके टायर डाल दिए, और इन्होंने सापट निकाल दी। अच्छा, सापट निकलवा ही दी मतलब की, या फिर मतलब ये आग का सही बंद करवाई? उन्होंने कहा था कि अगर आप जनरेटर वनरेटर चला रहे हो जी जी लगा दो। अच्छा, कोई जरूरत नहीं, निकाल दो। जी जी, तो भाई ये देखो आप इसमें क्या है, इन्होंने इसमें सॉफ्ट सॉफ्ट सब निकाल दी, और इसकी चौड़ाई भी थोड़ी सी बढ़वा दी। ये देखो टायर बाहर निकलवा दिए, बाकी इसमें और कुछ नहीं चेंज करा, ये सीट के नीचे से कोई बदलाव नहीं करा इतना कुछ खास। और भाई फ्रंट पीछे मतलब ये कहने की बात ही है, अब ये मतलब एक पहले नॉर्मल ट्रैक्टर था, लेकिन अब ये मतलब बिल्कुल ही सिर्फ लोडर हो गया, लोडर हो गया भाई। आप इसे ट्रैक्टर बनाना चाहते हो तो ट्रैक्टर नहीं बन पाएगा, अब ये भाई मतलब लोडर होगा भाई। इसे मतलब मिनी एचएम भी बोल सके, देखो पीछे देखने में भी एचएम की ही कॉपी है, और इसमें जो बदलाव कर रखे। अच्छा एक बात और बता दो, इसमें खर्चा कितना आ गया होगा? ये 180 उन्होंने देखा है, और 20,000 हमारे आने जाने में लग गया, बाकी खर्च हो गया। अच्छा, तो 2 लाख रुपए में? हाँ, 2 लाख में कंप्लीट पढ़ाया हम। अच्छा, ये हमारे से 280-290 किलोमीटर है संगरूर सुनाम, वहाँ बनवाया, वहीं ट्रैक्टर लेके गए थे, उधर से लोडर लेके आए। अच्छा एक बात और बताओ, मतलब कि जो इसकी डीजल एवरेज है खपत जी, जी रोड पे कितनी निकली? रोड पे यू मान लो 290 किलोमीटर था हमारा जी, जी। और 12-13 घंटे में 3,000 ये मान लो 2,500-3,000 रुपए का तेल लगा एक साइड से हमारा। अच्छा जी, तो वही 10-11 किलोमीटर के 12 किलोमीटर के लगभग एवरेज निकल गया। डीजल का करते हैं तो मैं 41 का इंजन है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे भर दो जी, जी तो इसमें करीब एक घंटे में कितने क्विंटल माल भरता है? मान लो जैसा 50-60 क्विंटल के हिसाब से भरता है हमारे यहाँ, 50-60 क्विंटल माल जी जी, मान लो 35-40 रुपए में भर देता है। अच्छा जी, हाँ तो मतलब आधे लीटर के लगभग, आधे से भी कम में ही, आधे से भी कम में, एक लीटर में 400 ग्राम लीटर में ये मतलब 50-60 क्विंटल माल भर रहा, मान लो एक लीटर में 3 या 4 ट्राली भर देगा। अच्छा, तो भाई मतलब अच्छा डीजल खपत इतनी कुछ खास नहीं है। और भाई ये मतलब इंडो फार्म का ट्रैक्टर, तो मतलब एक रोजगार के लिए भी भाई, अगर कोई बंदा भाई इसे बनवाना चाहे तो एक मतलब कि रोजगार भी है, और भाई देखो जिसका अपना काम है उसके लिए तो भाई ये एकदम बेस्ट ऑप्शन है। और ये भाई इनका एड्रेस है, और कोई मतलब जानकारी हो तो भाई इस नंबर पर कॉल कर लियो, और बाकी भाई का नंबर भी देंगे, अगर इस भाई से बात करनी हो तो इनका नंबर भी आपको दिलवाऊंगे। बाकी इसमें कोई ऐसा खास बदलाव नहीं करा, मतलब ट्रैक्टर ही है, लेकिन क्या छोटी छोटी मतलब बदलाव करने के बाद एक जुगाड़ भी बोल सके, लेकिन अभी जुगाड़ नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ काम सही कर रही हो तो वो जुगाड़ नहीं है, क्योंकि देखो प्रॉपर इसमें ऐसा कोई मोटा मोटा बदलाव करके जो मतलब ये जायज है, बाकी इसमें और कुछ ऐसा खास बदलाव करा नहीं। एक बार भाई से नंबर, एक बार नंबर और बोल दो भाई जी, 7037 जी 20-26-09। अच्छा जी, तो मतलब अगर आपके पास भाई कोई फोन करा है तो उठा कर ना एक बार, मतलब मोटी जानकारी जो भी जानकारी होगी जी, हम जरूर देंगे उन्हें। बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई जी। तो भाई जैसे भी वीडियो लगे अभी हम आपको उसे चला कर भी दिखा देंगे एक बार। अच्छा एक बार और स्टार्ट करके पीछे का बकेट और उठा कर दिखा दो उसका, तो अब इसका बकेट और उठा कर दिखाओगे, फिर बाकी भाई चलता हुआ भी दिखाओगे। ये देखो मतलब कितनी इसकी लेंथ ले सका, ये देखो मतलब इसमें दोनों दो गीवर हैं, आगे और पीछे करने का फुल लेंथ ये है भाई। ये देखो मतलब कहने की बात, ये भाई 12-13 फीट एक ट्रक जितनी ऊंचाई है बड़े नाम से ले लगा। ये देखो क्या सब लगा, बिल्कुल भाई मतलब ये कहने की बात यह है, ट्रैक्टर के अंदर अब कोई वो नहीं है कि भाई ट्रैक्टर नहीं है, बिल्कुल उससे जो फ्रंट लोडर है उससे ज़्यादा काम करने के काबिल है बिल्कुल। कैसी भी भाई वीडियो लगा, और अभी हम
भाई में कोई फर्क नहीं है, मतलब तो बंदा भाई शुरू में चलाओ थोड़ा सा होगा लेकिन परफेक्ट हो जाए दो बार चलाने से ही। तकड़ी परफॉर्मेंस है भाई इसके लिए। खतरनाक चीज है भाई ये तो, अपने टाइम में अच्छे से काम करा, अब मिनी एच एम बना के भाई जैसे भी लगवा भी रखा था ना पूरी एच एम ही है भाई दूसरा है बोल सकते हैं मिनी एच एम। ये भाई जैसे भी वीडियो लगे कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिए, और भाई इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, मतलब अगर किसी भाई को इस मतलब इस मिनट को बनवाना हो तो संपर्क दे दीजिए।